हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। आज भी मेरे पास आप लोगों के लिए काफी सारी न्यूज है, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक लाजमी देखना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। वीडियो में पहली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अजलान शाह के रिलेटेड है, जिनका रिसेंटली पॉडकास्ट आया है दानियल शेख के साथ, जिसमें उन्होंने बात की है उन्होंने कराची वाइंस को क्यों लेफ्ट किया। इसके अलावा उन्होंने यूट्यूब कब स्टार्ट की और अली जफर के साथ उन्होंने कौन सा ऐड किया है। पॉडकास्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। वीडियो में अगली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक्टर अनायतुल्लाह के रिलेटेड है। अभी रिसेंटली उनके साथ एक रोबरी हुई है, इसके बारे में अपडेट करते हुए उन्होंने कुछ ये लिखा। रात को जिम से घर वापस आते हुए तकरीबन 12:35 पर दो जरूरतमंद लड़कों ने मेरा सेलफोन और कुछ जरूरी सामान गन पॉइंट पर ले लिया। मैं ये बात स्टेटस पर शेयर ना करता, बट दिस इज द फोर्थ टाइम दिस हैज हैपेंड टू मी। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज स्टॉप स्ट्रीट क्राइम। वीडियो में अगली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि जुल्कर्नैन सिकंदर के रिलेटेड है। अभी कुछ दिन पहले टिकटॉक का एक शो हुआ था लाहौर के अंदर, और उस शो के अंदर काफी फेमस टिकटॉकर ने शिरकत भी की थी। वहीं पर जुल्कर्नैन सिकंदर को टिकटॉकर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए डेली ऐसे ही अपडेट लाता रहता हूं। चलिए वीडियो में अगली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ऋषभ पंत के रिलेटेड है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि रिसेंटली उनका कार एक्सीडेंट हुआ है। बेसिकली वो उत्तराखंड से दिल्ली जा रहे थे अपनी फैमिली के पास न्यू ईयर मनाने के लिए। ऐसे में रास्ते में उनकी गाड़ी डिवाइडर के साथ टकरा गई। ऋषभ पंत को काफी ज्यादा चोटें आई हैं, लेकिन अभी न्यूज ये आ रही है कि उनकी सेहत खतरे से बाहर है। इसके बारे में बीसीसीआई ने भी अपडेट करते हुए बताया है कि ऋषभ पंत की हालत खतरे से बाहर है और उनको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अगली न्यूज जो हमारे पास आ रही है वो है ब्राजीलियन लेजेंडरी फुटबॉलर पीले के रिलेटेड, जिनका गुज़श्ता रात इंतकाल हो चुका है, क्योंकि वो काफी अरसे आंतरियों के कैंसर में मुबतला थे। फुटबॉल की बात चल ही रही है तो मैं आपको बताता चलूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नसर के साथ मुआहिदा कर लिया है, जिसके मुताबिक अल नसर क्लब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 75 मिलियन पर ईयर पे करेगा। आज के लिए हमारे पास इतनी ही न्यूज थी, अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।